तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कॉल्स विद शिवांश। आज अपन बात करने वाले हैं महिंद्रा के थार के ईवी कंसेप्ट के बारे में। महिंद्रा ने अपनी थार ई, जो कि थार का ईवी कंसेप्ट है, उसको अनवील कर दिया है अपने साउथ अफ्रीका के इवेंट में ऑन द डे ऑफ 15th ऑफ अगस्त, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे। उन्होंने इंडियंस के लिए एक ईवी कंसेप्ट लेके आया है अपनी मोस्ट पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा थार का। तो जो थार है वो वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका टू डोर वेरियंट अभी ऑन सेल है, 5 डोर वेरिएंट भी आने वाला है। वैसे वो इस साल लॉन्च होने वाला था, पर महिंद्रा ने उसको इस साल लॉन्च नहीं किया। उस पर पूरा एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। पर अभी अपन बात करेंगे महिंद्रा थार ई के बारे में, मतलब थार के ईवी कंसेप्ट के बारे में, जो कि महिंद्रा ने अभी रिसेंटली अनवील किया है। तो ये जो है, इसके बारे में मैं आपको सब बताऊंगा, प्राइस, इसकी कब आप लॉन्च डेट एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब कब ये लॉन्च होने वाली है गाड़ी, क्या फीचर्स आएंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बेस्ड है, सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिजाइन के बारे में बात करते हैं। डिजाइन जो थार ई का डिजाइन है वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है देखने में, मॉडर्न लग रहा है काफी ज्यादा। और ये बेस्ड रहेगा थार 5 डोर पे, मतलब ये एक 5 डोर व्हीकल रहेगी, ना कि 2 डोर। तो डिजाइन तो यार गाड़ी का बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर अभी ये कंसेप्ट है, प्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, क्या क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट डिजाइन की। तो फ्रंट से ये गाड़ी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इसमें ऑल एलईडी हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे जो भी प्रोडक्शन में आएगी। इसका अगर आप ग्रिल देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा थार ई लिखा हुआ है, तो वो भी अगर प्रोडक्शन वाली गाड़ी में आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और इंडिया में बहुत ही कम ऐसी कोई कार होगी जिसकी ग्रिल में उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इसके फ्रंट डिजाइन के बारे में। अगर इसका फ्रंट डिजाइन के बारे में एक चीज और मैं आपको बता सकता हूँ, फोर्ट की एक कार आती है ब्रोंको, जो कि एक एसयूवी है जो कि बहुत फेमस भी है, उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता इसका फ्रंट का डिजाइन लग रहा है। तो वो अपनी जगह है, ये गाड़ी अपनी जगह रहेगी। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में देखने में ये गाड़ी काफी ज्यादा कट्स एंड क्रीसेस है, काफी ज्यादा शार्प और बॉक्सी डिजाइन है इस गाड़ी का। तो ये जो इसका साइड प्रोफाइल है बहुत ही हैवी लग रहा है देखने में, अगर इंडियन स्लैंग में बोलूं तो हैवी लग रही है गाड़ी देखने में। और कहीं ना कहीं ये डिफेंडर और मर्सिडीज की जो G63 आती है उसकी तरह इसका डिजाइन लग रहा है। और अगर महिंद्रा ऐसा डिजाइन लेके आएगा तो ये गाड़ी काफी हिट होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ही गाड़ी, लैंड रोवर डिफेंडर, मर्सिडीज की G63 AMG, और अभी रिसेंटली लैंड क्रूजर ने अपनी प्राडो लॉन्च करी नई वाली, ये जो गाड़ियां हैं ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। कहीं ना कहीं ये रेट्रो लुक देती है गाड़ियों को, और लोगों को बहुत ज्यादा ऐसी गाड़ियां आजकल पसंद आ रही है। तो महिंद्रा ने भी वही किया है, साइड प्रोफाइल काफी ज्यादा रेट्रो रखी है और काफी ज्यादा शार्प और मतलब फ्यूचरिस्टिक भी है एट द सेम टाइम। अलॉय व्हील्स देखोगे तो अभी तो एक कंसेप्ट है, पर जब ये प्रोडक्शन में गाड़ी आएगी तो आपको शायद मेरे हिसाब से 19 इंच तक के इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 18 इंच के तो आते ही हैं अभी। तो साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की हो गई। अब अपन बात करते हैं रियर लुक की, बैक लुक की बात करते हैं अपन। तो अगर इसके बैक लुक की बात की जाए तो वहां पे जैसा कि आपने अभी शुरू में देखा, इसके जो फ्रंट एलईडी हेडलैम्प्स है वैसे ही आपको पीछे बैक टेल लैम्प्स भी देखने को मिल रहे हैं। जीप की एक गाड़ी आती थी रेनेगेट करके, अभी भी आती है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, उसकी टेल लैम्प्स की जरा इसकी मतलब जैसी उसकी टेल लैम्प्स थी वैसी ही इसकी टेल लैम्प्स लग रही हैं। तो जो इसका बैक का डिजाइन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ कुछ उठाया ऐसा लग रहा है। पर जब फाइनली गाड़ी प्रोडक्शन में आएगी तब शायद कुछ कुछ और चेंजेस आपको देखने को मिले। तो इसमें आपको सब कुछ तो मिलेगा ही, 360 डिग्री कैमरा जैसी चीजें, क्योंकि गाड़ी काफी बड़ी है। अब अपन बात करते हैं रूफ के बारे में। अभी आपको एक बड़ा सा महिंद्रा मतलब थार लिखा आप देख रहे होंगे इसके रूफ में, पर जब ये गाड़ी लॉन्च होगी उस टाइम पे आपको शायद इसमें पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिल सकता है। वो तो तभी पता चलेगा कि महिंद्रा इसमें वो रखेगा कि नहीं। तो ये तो हो गई पूरे एक्सटीरियर की बात। अब अपन बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। अभी इंटीरियर की जो फोटोज आई हैं, अभी जो सामने आए हैं, वो तो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लग रहा है देखने में, मतलब एक अलग ही कार लग रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी वीडियो गेम से उठा के रखा है इसमें। तो उस टाइम पे जब ये गाड़ी प्रोडक्शन में आएगी तब आपको इसमें ऑल डिजिटल MID मतलब मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा, एक बड़ी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी। आप जो भी फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उस गाड़ी में आएंगे, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, साथ में इसमें 360 डिग्री कैमरा, मैं आपको बता चुका हूँ। और जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तब और भी कुछ ऐसे फीचर्स आ चुके होंगे, जैसे ADAS लेवल 3 शायद इसमें आपको देखने को मिल जाए। बाकी 4x4 की सारी कैपेबिलिटीज तो आपको थार के ईवी वेरिएंट में देखने को मिली जाएंगी। तो इंटीरियर के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी काफी ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है, वो जब ये गाड़ी का लॉन्च पास आने लगेगा तब आप देख सकते हो। तो अब मैं इतनी बात कर ही चुका हूँ तो आपको बता देता हूँ ये गाड़ी लॉन्च कब होने वाली है। जैसा कि आपको पता है महिंद्रा भी थार ईवी वेरिएंट को लॉन्च करने के पहले और भी कुछ अपनी ईवी गाड़ियां लॉन्च करेगा, जैसे उन्होंने XUV400 लॉन्च कर दिए, 2 और गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं वो इसके बाद, फिर वो XUV700 का भी ईवी वेरिएंट लेके आएंगे। तो इसका लॉन्च आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 के एंड में
या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब स्टार्टिंग में। तो लॉन्च में तो अभी काफी टाइम है। प्राइस क्या होने वाला है गाड़ी का, जैसा कि आज की डेट में अगर आप एक ईवी लेने जाओ, जैसे कि ZS EV आती है MG की, तो वो 25 लाख के आसपास के स्टार्टिंग होती है। तो इस गाड़ी की प्राइस भी आप 25 लाख से लेकर 30 लाख तक कर देख सकते हो, क्योंकि महिंद्रा स्टार्टिंग में तो अपनी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो काफी कम रहता है, तो स्टार्टिंग की कुछ यूनिट्स का प्राइस तो कम रहेगा थार ईवी में भी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो थार ईवी है वो एंग्लो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो जो थार 5 डोर है वो भी लैडर ऑन फ्रेम SUV रहेगी, थार 2 डोर भी लैडर ऑन फ्रेम है, बट ये जो ईवी वेरिएंट है जो थार ई है ये एंग्लो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो कि एक मोनोकोक टाइप प्लेटफॉर्म रहेगा, मतलब ये लैडर ऑन फ्रेम SUV नहीं रहेगी। बट इसकी SUV कैपेबिलिटीज 4x4 कैपेबिलिटीज तो बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि महिंद्रा उसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कंसेप्ट उन्होंने निकाला इस साल, क्योंकि वो इस साल लॉन्च करने वाले थे थार 5 डोर, पर उसका प्लान नहीं हो पाया, तो उन्होंने कंसेप्ट दिखा दिया थार ई का। और अगर इस गाड़ी पे कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो का जो पिकअप अनवील किया उसके ऊपर, तो उसके लिए चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना, उसका जवाब मैं वहाँ दूंगा। मिलते हैं, बाय।